पटना से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पटना में बिहार एटीएस ने पटना रेलवे स्टेशन से दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये आतंकवादी हैं और ये दोनों आतंकवादी बांग्लादेशी निवासी हैं। एटीएस की टीम को ये खबर मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो आतंकवादी हो सकते हैं वो पटना के रेलवे स्टेशन के समीप मदनी मुसाफिर खाना के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। एटीएस ने उन्हें धर दबोचा और मोटरसाइकिल स्टैंड के पास से इन संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान बांग्लादेश के जिला झनौदा थाना महेशपुर गाँव चापातल्ला निवासी खैरुल मंडल के रूप में हुई है। खैरुल मंडल के पिता महबूब मंडल और अबू सुल्तान पिता अब्दुल मालिक, ये दोनों बांग्लादेशी निवासी हैं। पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया है कि वो जमतुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं और इसका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से बताया जाता है। गिरफ्तार दोनों आतंकी से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एजेंसियां पूछताछ में जुट गई हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार दोनों आतंकी की पहचान कर ली गई। उनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद होने की सूचना है। चल ऊपर चल 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 च